छत्तीसगढ़ के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। सर सीधा सीधा सवाल आपसे, छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद अभी भी जिंदा है, जिम्मेदार कौन इसके लिए? निश्चित रूप से आज हमने अपने छत्तीसगढ़ के बस्तर के 11 बेटों को खोया है नक्सली हमला में। ये अत्यंत हृदय विदारक घटना है। मैं अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और इनके परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। निश्चित रूप से इस घटना की जितनी निंदा की जाए कम है, और हम लगातार इस बात को कहते रहे हैं कि छत्तीसगढ़ की सरकार इस विषय को लेकर गंभीर नहीं है और लगातार झूठे दावे कर रही है, क्योंकि लगातार जैसे घटनाएं हुई है, हमने अपने पदाधिकारियों को भी थोड़े दिन पहले खोया है। अभी थोड़े दिन पहले ही कांग्रेस के बीजापुर के विधायक के काफिले पर हमला हुआ, तो उनकी मौजूदगी है पर सरकार जो है वो निराधार दावे करती है। वो अब भी इस घटना से राज्य सरकार जागे, और हमने आज अपने छत्तीसगढ़ महतारी के 11 बहादुर बेटों को खोया है। लेकिन अरुण जी, राज्य सरकार ये सुनिश्चित करे। अरुण जी, कुछ महीनों पहले या कुछ दिनों पहले अमित शाह ने भी छत्तीसगढ़ में एक बयान दिया था कि भाई अब केंद्र सरकार भी एक्टिव है नक्सलवाद के खिलाफ। अमित शाह बयान दे रहे थे कि अब नक्सलवाद दम तोड़ चुका है, लेकिन केंद्र सरकार के दावों की भी आज पोल खुली है। अरुण साहब जी, देखिए, राज्य सरकार को हर प्रकार से मदद केंद्र सरकार कर रही है। राज्य सरकार यदि उस विषय को गंभीरता से नहीं लेगी तो ये संभव नहीं है। इस विषय पर राज्य सरकार को आगे आना होगा। केंद्र सरकार को जो मदद करनी चाहिए वो हर प्रकार से मदद केंद्र सरकार कर रही है। अब ये राज्य सरकार ही है जिसे आगे बढ़कर इस विषय पे काम करना है। जैसे हमने अपने समय में सरगुजा में पूरी तरह से शांति बहाली की है, बस्तर को भी बहुत हद तक हमने पीछे खदेड़ दिया था, लेकिन जब से राज्य में कांग्रेस सरकार की बनी है तब से तो पूरी तरह से आजादी मिली हुई है। लेकिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तो आज दावा कर रहे थे कि नक्सलवाद जो है वो अंतिम दौर में है, उनकी अंतिम लड़ाई है। उनका दावा आज ये साबित हो गया। लगातार घटनाएं हो रही है, लगातार घटना पर घटना हो रही है, और सरकार बोले कि अंतिम सांसें ले रही है, तो ये तो उनका दावा बिल्कुल निराधार दिख रहा है। आपका क्या मानना है, क्योंकि नक्सलवाद को लेकर हमेशा क्योंकि कहा जा रहा है कि ये जिम्मेदारी केंद्र सरकार, क्योंकि वहां पे गृह मंत्रालय की तरफ से सीआरपीएफ के जवान भी होते हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस भी होते हैं, और साथ में स्टेट पुलिस भी होती है, तो ये तो दोनों की कलेक्टिव नाकामी हुई ना। राज्य सरकार के निर्देशन पर यह होता है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार को जो सुविधाएं चाहिए इस काम के लिए वो केंद्र सरकार उपलब्ध कराती है, पर इस विषय पर आगे बढ़कर काम करने का काम राज्य सरकार का होता है, जो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में इसकी कमी दिख रही है। और यही कारण है कि आज ये हालात हैं। जो मुख्यमंत्री जी दावा करते हैं उसके इतर है जो जमीनी हालात हैं। बस्तर क्षेत्र के किसी भी व्यक्ति से जाकर आप पूछें तो वो बता देंगे कि उस क्षेत्र के हालात क्या है, कैसे वो जी रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अरुण साहब जी। अपने दर्शकों को घटनास्थल की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पे, देखिए न्यूज 24 पे, ये वही जगह है जहां पे ये बड़ा नक्सली हमला हुआ है। देखिए किस तरह से आईडी वहां पे फिक्स किया हुआ था, यहीं से वो काफिला निकल रहा था, यहीं से डीआरजी जवानों का काफिला था जिसमें 10 जवान थे, एक सिविल ड्राइवर था, और तभी अचानक घात लगाए बैठे हुए वहां पर नक्सलियों ने बड़ा अटैक किया, आईडी ब्लास्ट हुआ। देखिए सड़क के बीचों बीच कई फुट गहरा वहां पे गड्ढा हो गया था, यानी पहले से पूरी प्लानिंग थी, नक्सलियों को पूरी जानकारी वहां पे मालूम थी कि इस तरह से डीआरजी जवान वहां पहुंचे हुए हैं सर्च ऑपरेशन के लिए, उनको खबर मिली हुई है, पहले से घात लगाए हुए बैठे थे। लेकिन सवाल, इंटेलिजेंस फेलियर कैसे हो गया? ये मेन रोड है और थाना यहां से महज कुछ किलोमीटर की दूरी पर है, थाने की मौजूदगी के बीचों बीच इस तरह से ये घटना हो जाना,
ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। तमाम जो प्रोटोकॉल होते हैं, निर्देश दिए होते हैं कि किस तरह से जब भी आप संवेदनशील इलाकों में जाएं, नक्सल प्रभावित इलाकों में जाएं, वहां पर तमाम वो प्रोटोकॉल के अपनाए गए थे, वो निर्देश, वो गाइडलाइंस अपनाई गई थी, इसको लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। लेकिन एक मैसेज यहां पर नक्सलियों ने साफ दे दिया है कि छत्तीसगढ़ में अभी भी नक्सलवाद पूरी तरह से एक्टिव है, जिंदा है, बड़े हमले को अंजाम देने में वो अभी भी काबिल हैं, क्योंकि आज इस बड़े नक्सली हमले में डीआरजी के 10 जवान और एक सिविल ड्राइवर, यानी कुल 11 लोग की शहादत वहां पे हुई है। ये तस्वीर अरनपुर, दंतेवाड़ा के अरनपुर थाना क्षेत्र, यानी अरनपुर और समोली के बीच ये जगह बताई जा रही है जहां पर ये बड़ा हमला हुआ है। चलिए सीधा रुक करते हैं, हमारे साथ बने हुए रिटायर्ड कर्नल टीपी त्यागी साहब। त्यागी साहब, ये अपने आप में हम तस्वीरें भी दर्शकों को दिखा रहे हैं कि कितना बड़ा आईडी ब्लास्ट वहां पे हुआ है, कई फुट गहरा सड़क के बीचों बीच गड्ढा हो गया है, तो क्या अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि इस तरह के अंदाजे लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है 50 किलो का विस्फोट हो वहां पर, इतनी तैयारी नक्सलियों की, ये अपने आप में बड़ा सवाल। ये बिल्कुल भी बड़ा सवाल नहीं है सर, सवाल बहुत छोटा है। वो इसलिए कह रहा हूं मैं कि क्या ये पहली बार हुआ है, क्या उन्होंने इम्प्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइस पहली बार लगाई है, क्या उन्होंने एम्बुश पहली बार किया है। इससे पहले कम से कम दर्जनों ऐसी इंस्टांसिस हुई हैं जब उन्होंने किसी डिफाइन में या किसी संकीर्ण जगह में सड़क में बारूद बिछाया हो और ये गाड़ी उड़ी हो, और इससे ज़्यादा कैजुअल्टीज हुई हैं। इसमें जिम्मेदारी दरअसल में तय नहीं की गई, हमारे यहाँ एक सिपाही की जान को एक डिस्पेंसेबल कमोडिटी समझा जाता है, 10 सिपाहियों का मारा जाना कोई मामूली बात है, उन पर समय लगता है, मेहनत लगती है, द कमांडिंग ऑफिसर शुड बी ब्रॉट टू द बुक्स, द डीआईजी शुड बी आस्क, एक प्राइवेट गाड़ी क्यों भेज दी गई जो खाना बनाने वाली या खाना रखने वाली गाड़ी थी, और उसमें एसओपी का पालन क्यों नहीं किया गया। लेकिन मेरा इससे ज्यादा बड़ा कहना यह है कि इस किस्म की घटना के लिए अंदर बैठे हुए जवान को तो नहीं मालूम कि कहां पे कौन सा एक्सप्लोसिव लगा हुआ है, जिम्मेदारी तो उसकी है जिसने प्लानिंग की है, और जिसने प्लानिंग की है वो प्लानिंग वाले को ये ख्याल रखना है कि एसओपी को एडहियर किया गया है या नहीं किया गया है। ऐसे में चीफ मिनिस्टर का और केंद्रीय सरकार का एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाना ये समस्या का समाधान नहीं है, इसकी वजह से समस्या पैदा होती है। दरअसल में ये सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, क्या इनकी लाइफ इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या वहां पे आर्मर्ड व्हीकल नहीं दिए जा सकते। अरे अगर वहां पे इन्फेस्टेड एरिया है और एक नहीं 10 दफा ऐसी एक्सरसाइज हो चुकी है, तो उनकी रिकरेंस को रोकने के लिए हर बार ये कह देना कि ये चूक हो गई, ऐसा नहीं है। द करेक्टिव एक्शन ऑट टू हैव बीन टेकन एंड दे हैव नॉट बीन टेकन। जो डीआरजी के जवान है, एक तो उन जवानों को वो जवान उस एरिया से आते हैं, दंतेवाड़ा से ही रिक्रूट किए गए हैं, वो रायपुर से रिक्रूट नहीं किए गए, वो उस जगह को जानते हैं, उनकी बात को प्लानिंग के अंदर लिया जाना चाहिए था। मैं तो ये समझता हूँ कि ये फेलियर न केवल इंटेलिजेंस का है बल्कि जो कमांडिंग ऑफिसर्स हैं उनका भी ये फेलियर है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सिक्योरिटी लैप्स हुआ है। त्यागी साहब, वैभव, क्योंकि आप हमेशा उस इलाके में रिपोर्टिंग करते रहते हैं, क्या हमेशा ऐसा होता है कि प्राइवेट गाड़ी भेजी जाती है, कोई आम व्हीकल नहीं वहां पे भेजा गया, इस तरह से चीजें होती हैं? क्योंकि ये जो जवान थे इसी इलाके के जवान थे, और जैसा आप कह रहे हैं कि कुछ जवान वो भी थे जो पहले नक्सली थे, उसके बावजूद भी इतनी बड़ी लापरवाही, तो ये गलत है ना सर। ये लापरवाही के लिए अनलेस यू ब्रिंग द बिगर पीपल टू द बुक्स, वो लोग जो जमे, अगर कल को कोई क्रेडिट मिलता है कि साहब हाँ हमने 50 नक्सलियों को मार दिया, तो किसको माला पहनाई जाएगी? डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस डीआईजी को पहनाई जाएगी। लेकिन आवश्यकता यह है कि अगर आप क्रेडिट लेते हो तो आप इस बात की भी जिम्मेदारी लीजिए। और ठीक है, त्यागी साहब इस वक्त हमारे साथ छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री बृजमोहन जुड़ गए हैं। बृजमोहन जी, इस हमले के बारे में आपके पास कोई जानकारी, और क्या कहेंगे इस हमले पे आप? देखिए, ये घटना बहुत दुर्भाग्यजनक है, ये दुखद घटना है, और हम इन जवानों के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, परंतु ये लापरवाही का बहुत बड़ा परिणाम है कि ये लंबे समय के बाद इतनी बड़ी घटना घटित होना। क्या इनके पास में इंटेलिजेंस नहीं था? रोड ओपनिंग पार्टी, जब ऐसी भी कोई सर्चिंग के लिए पार्टी निकलती है तो रोड ओपनिंग पार्टी निकलती है,
रोड ओपनिंग पार्टी क्यों नहीं निकली, और लगातार नक्सलियों ने अभी 7 दिन पहले एक विधायक के काफिले पर हमला किया, रोज हमारे एक सिविलियन को मुखबिर के नाम पर मार रहे हैं, जो अकेले कोई उनको सुरक्षा के जवान मिल जाते हैं बाजारों में उनको मार रहे हैं, परंतु ये सरकार का जो नक्सलियों के प्रति नरम रुख है आज उसका परिणाम है कि इतने बड़ी कत्ल हुई है और हमारे 11 जवान शहीद हुए हैं। और ये सरकार खाली बड़ी बड़ी बातें करती है, आज तक अगर नक्सली मारे जाते हैं तो मध्य प्रदेश में मारे जाते हैं, उड़ीसा में मारे जाते हैं, महाराष्ट्र में मारे जाते हैं, छत्तीसगढ़ में आज तक भी एक बड़े कोर नक्सली को एक को भी मारा नहीं गया है। ये इस बात को दिखाता है कि सरकार की लापरवाही का परिणाम है कि आज हमारे 11 जवानों की जो जीवन है वो समाप्त हो गया। लेकिन ब्रिजमोहन जी, तो कलेक्टिव जिम्मेदारी है ना नक्सलवाद को खत्म करने की, सरकार यानी कि स्टेट पुलिस की जिम्मेदारी तो है, लेकिन वहां पे गृह मंत्रालय के अंडर CRPF है, तमाम चीजें हैं, तो इसमें गृह मंत्रालय और राज्य सरकार दोनों जिम्मेदार है ना, क्योंकि अमित शाह तो बयान देते हैं कि नक्सलवाद तो दम तोड़ चुका है छत्तीसगढ़ में। मैं गृह मंत्री रहा हूं, अगर आपकी जानकारी में हो, जो सेंट्रल फोर्सेस है वो राज्य सरकार के कमांड में काम करती है, राज्य सरकार के IG DIG वहाँ के कमांडर्स जो ऐसा उनको मूवमेंट के लिए कहते हैं तब वो चलते हैं। राज्य सरकार क्योंकि सेंट्रल फोर्सेस का उपयोग ही नहीं कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट के आर्म्स एमिनेशन का उपयोग नहीं कर रही है, जो फंड्स मिल रहा है उसको खर्च नहीं कर पा रही है, और आज उसका परिणाम है कि आखिर रोड ओपनिंग पार्टी कौन सेंट्रल गवर्नमेंट भेजेगी, इंटेलिजेंस कौन सेंट्रल गवर्नमेंट भेजेगी, राज्य सरकार की जो सहमति अगर आपको मालूम होगा कि भूपेश बघेल कह रहे हैं, भूपेश बघेल कह रहे हैं कि भूपेश बघेल मुख्यमंत्री बने थे, भूपेश बघेल कह रहे हैं कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा, भूपेश बघेल कह रहे हैं किसी को बख्शा नहीं जाएगा, ये अंतिम दौर की लड़ाई है, बख्शा नहीं जाएगा, वो हर बार बोलते हैं बख्शा नहीं जाएगा। अभी 7 दिन पहले उनके विधायक के ऊपर में हमला हुआ, क्या कार्रवाई हुई, छत्तीसगढ़ में आज तक एक भी कोर नक्सली को 4.5 साल में मार के नहीं गिराया है, अगर मार गिराया तो मध्य प्रदेश की पुलिस ने, उड़ीसा की पुलिस ने, महाराष्ट्र की पुलिस ने, छत्तीसगढ़ में आज तक इन्होंने नक्सलवाद समाप्ति के लिए एक भी बड़ा काम किया भूपेश बघेल ने, तो आप बता दें, वो बता दें, कोई भी बता दें। लेकिन ब्रिजमोहन जी, आप क्योंकि गृह मंत्री रहे हैं खुद, क्या क्योंकि इस तरह से सवाल उठ रहे हैं, एक प्राइवेट गाड़ी भेजी गई थी जवानों को लाने के लिए, तो ये क्या इस तरह के SOP होते हैं, इस तरह के गाइडलाइंस होती हैं? देखिए SOP वो तो वहां के परिस्थितियों के अनुसार वो काम करते हैं, परंतु इनको रोड ओपनिंग पार्टी, अगर हमारे जवान जा रहे हैं तो रोड ओपनिंग पार्टी क्यों नहीं गई, हमारे वहां पर स्वान डॉग है वो क्यों नहीं गए, हमारी जो आईडी को इंटरेक्ट करने वाली जो मशीने हैं वो वहां पर क्यों नहीं गई, और वहां पर तो लगातार आईडी ब्लास्ट हो रहा है, ये पहली बार नहीं हो रहा है, अभी 3 दिन पहले। ठीक है, शुक्रिया ब्रिजमोहन जी बातचीत करने के लिए। तो